आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये शख्स कोई आम अपराधी नहीं है, बल्कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा है, जो कि उसके कहने पर गुरुग्राम में भी एक बड़ी किडनैपिंग को अंजाम देने वाला था और अपने साथियों के साथ मिलकर बड़ी साजिश रच रहा था। मगर उससे पहले ही गुरुग्राम पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, जिस पर पुलिस ने 1,00,000 रूपये का इनाम भी रखा था। पुलिस ने इस मामले में 30 मई 2022 को 7 अपराधियों को हरियाणा पुलिस की वर्दी पहने भोंडसी से गिरफ्तार किया था और उनसे आधा दर्जन से ज्यादा हथियार भी बरामद किए थे और सिलसिलेवार तरीके से लगातार इस मामले में जांच कर रही थी, जिसके चलते गुरुग्राम पुलिस ने अब 11वीं गिरफ्तारी करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान विक्की के तौर पर हुई है, जो कि इस साजिश के दौरान हथियार मुहैया करवा रहा था, साथ ही साजिश रच रहा था। एक कुख्यात बदमाश है, ये एक गैंगस्टर से जुड़ा हुआ है और एक गैंग जो संचालित किया जाता है उसका एक मुख्य आरोपी, जिस पर 1,00,000 रुपए का इनाम था हरियाणा पुलिस के द्वारा, उसको पकड़ा था हरियाणा पुलिस ने। इसका नाम विकास उर्फ विक्की है, ये गांव गुड़ा महेंद्रगढ़ का रिहायशी है। इसके ऊपर 1 दर्जन से ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं और पिछले कुछ समय से ये वांछित था और गुड़गांव पुलिस ने कुछ समय पहले ही इसको पकड़ा था। 1,00,000 रुपये इनाम इसको ऑलरेडी पहले से घोषित किया गया था। इस घटनाक्रम का संक्षिप्त विवरण आपको मैं बताऊं। 31/5/2022 को हमने कुछ लोगों को पकड़ा था अवैध हथियारों के साथ और उस दौरान कुछ लोगों को पकड़ा गया था, कुछ लगभग जो यूनिफॉर्म्स पुलिस की यूनिफॉर्म्स के साथ, कुछ ऐसे घटनाक्रम को वो अंजाम देने की फिराक में थे कि गुड़गांव से किसी व्यक्ति विशेष को शायद वो अपहरण करते, एक्सट्रॉशन करते और उस संबंध में और दूसरी ऐसी गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम दे सकते थे। तो उस दौरान इनको पहले ही प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाते हुए हरियाणा पुलिस द्वारा, गुड़गांव पुलिस द्वारा इनको पकड़ा गया और पकड़ने के उपरांत जब उनसे जो वेपन्स बरामद हुए तो पता चला कि उनको वेपन्स जो सप्लाई करा गया था वो विकास और विक्की, जो अभी हमारा ये हमने एक्यूज जिसको अभी अरेस्ट कर रखा है, इस यही जो मेन एक कॉन्स्पिरेटर था जिसने सारे वेपन्स और जो मोडस ऑपरेंडी बनाई थी उस घटनाक्रम की। तो इसको हमने जब हमारे सेक्टर जो क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 है उस दौरान नरेंद्र चौहान इंस्पेक्टर थे उनके द्वारा इसकी कार्रवाई करी, अमल में लाई गई थी। उसके बाद इंस्पेक्टर अनिल की टीम ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया और हमारे पुलिस PSI मनोज हैं, इनके द्वारा इस इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करा गया। अब हाल में जब इनको हमने रिमांड पे लिया तो इनसे जब रिमांड के दौरान एक हरियाणा पुलिस की ASI की पुलिस यूनिफॉर्म बरामद हुई है और 12 बोर का एक डोगा वो बरामद हुआ है और एक खाली मैगजीन बरामद हुई है। गहनता से इनकी पूछताछ अभी जारी है और फर्दर किस तरीके के ऐसी गतिविधियों में संलिप्त है ये उसके बारे में भी जानकारी हासिल करी जा रही है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में ये बताने से दूरी बनाई है कि आखिर किडनैपिंग होनी किसकी थी, मगर आपको बता दें कि गुरुग्राम के बड़े बिजनेसमैन की ये किडनैपिंग करने वाले थे और बड़ी रकम फिरौती के तौर पर मांगने वाले थे, मगर शिकायतकर्ता की जान को खतरे में ना डालते हुए गुरुग्राम पुलिस ने फिलहाल इस मामले में बिजनेसमैन की पहचान को मीडिया के कैमरे से दूर रखा है। गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली, जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बद इंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।